जाने कौन कौन है यहाँ, बैठे तो बन गया कारवां, और ऐसे ही हसीन लम्हों का सफर है सिलसिला। मैं हूँ आपके साथ समीना, नमस्कार आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सिलसिला के आज के खूबसूरत सफर पर। अफ्रीका फेस्टिवल का आयोजन कमानी ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें अफ्रीका से आए कलाकारों ने पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया और इस मौके पर शाम का रंग देखते ही बनता था। देश का अपना लोक नृत्य और संगीत होता है, लेकिन सेनेगल देश का लोक नृत्य काफी अनोखा और हैरतअंगेज है और इस नृत्य ने वहाँ बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक समकालीन और सदाबहार नृत्य शैलियां हैं और खास वाद्य यंत्रों की धुन पर माली देश के कलाकारों ने अपनी संपन्न संस्कृति की झलक पेश की।
प्रस्तुति रही सदाई की, जिसकी संस्कृति के मुख्तलिफ रंग देखते ही बने। दिल की जान से उठता है ये धुआं कहां से उठता है, ये गजल सुनते ही याद आ जाते हैं मशहूर मारूफ गजल गायक मेहंदी हसन। भले ही वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गायकी, उनकी शख्सियत और उनका अंदाज हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और इसी याद को हम सबके बीच कायम रखने की गरज से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से मेहंदी हसन की याद में एक शाम का एहतमाम किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं इसे खूबसूरत शाम में। गजल इंसानी जज्बात की तर्जमान है और ऐसे ही खूबसूरत जज्बात की अदायगी रही हुदादाद कबीर भाई का और दिलकश गायिका जानवर राव की, जिन्होंने मेहंदी हसन की गजल रंजिश सनी से शाम का आगाज किया। महारत हासिल कर चुकी जानवर रॉय ने गजल सम्राट मेहंदी हसन की याद में उनके कलाम को बड़े ही मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। Yeah.
गजल गायकी को एक अलग मकाम दिलाने में मेहंदी हसन का नाम सरफहरिस्त है। भले ही वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी गजलें सालों साल लोगों के दिलों पर राज करती रहेंगी। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली पंजाबी अकादमी ने फेस्टिवल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ पंजाब का आयोजन किया, जिसमें परंपरागत भारतीय संगीत के कई रंग देखने को मिले, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति की पहचान है। से आयोजित इस खूबसूरत शाम में ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखने वाली और मकबूल शास्त्रीय गायिका नीता पंडित की ये बेहतरीन बंदिशें समृद्ध भारतीय परंपरा की याद को ताजा करा देती हैं। शास्त्रीय संगीत की सुरीली परंपरा को साथ लेकर चलते हुए फेस्टिवल ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ पंजाब की तरफ से सजी ये यादगार शाम लोगों को सहनी सुकून दे गई। Yeah.
आवाज और आवाज से जनता की खेती नीता पंडित थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की पोती और सुर सम्राट उस्ताद मुनव्वर अली खान की बेटी और पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाली रजा अली खान की पेशकश इस खूबसूरत शाम को यादगार बना दी। पंजाबी अकादमी की ये पहल एक कामयाब कोशिश है जिसमें गुम होती रागों को बड़े ही मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है। श्रीराम सेंटर में भारतेंदु नाट्य अकादमी की तरफ से नाटक मृग तृष्णा का मंचन किया गया, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया। शुरुआत मछुआरों के आपसी संवाद से होती है, जिसमें उनकी जिंदगी जीने के अंदाज को अभिनय के जरिए पेश किया गया है। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए जीता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कहानी के अंत में सच्चाई की जीत होती है और पुरानी बातों को भूल कर वो सभी बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। लेकिन एक
छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हम ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम ने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन सहमत की तरफ से टैगोर टेल्स एंड पटवा पेंट्स के नाम से एक शानदार चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे और बड़े उम्र के कलाकारों ने हिस्सा लिया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ खास झलकियां। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय कर रहेगा इंतजार sinsala.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं facebook.com/sinsalaonraajyasabha tv के जरिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।